हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर, तो ज्यादा मैं साथ ही बताओ। भाई आज ना अपने भाई ने फिर से 17 किल करे ना इस दिख मैच रही में। है अभी तक। क्या आपको मैच देख के मजा ही आ जाएगा? अगर वीडियो में जरा भी मजा आए ना तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं हो रहा, वो गलत बात। तो यहाँ पे मोतर, तो यहाँ पे आती है 2 से 3 टीम। तो यहाँ पे जैसे मैं सबसे पहले बताऊँ, मुझे मिलती है सस्ती पीपी बाइजन। जिससे कि मैं कुछ खास उखाड़ नहीं पाता भाई। यहाँ से सीधा मैं इन बंदों पर कर दूंगा पुश। अब यहाँ पे मैं सब पुश कर रहा था, मुझे दूसरे बंदे का साउंड आ रहे थे। इस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर दूँ। आया किसी और को मारने था, नॉक किसी और को कर दिया। अब यहाँ पे सीधे से पुश करता हूँ भाई इसके टीममेट के। मुझे फुटप्रिंट साउंड भी आ रहा था, तो देखिए क्या ही होगा। यहाँ पे मुझे इसके साउंड आ रहे थे राइट से, तो मैं सीधा घुस के फिनिश करता हूँ। लूट पाट करके मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। तो आगे मुझे फायरिंग के भी साउंड आ रहे थे। तब यहाँ पे मैं सीधा इन बंदों पे पुश कर दूंगा। आगे वाले कंटेनर से बंदे इधर आ, वेयर हाउस, वेयर हाउस। अब यहाँ पे मैं पुश कर ही रहा होता हूँ, तो मेरे टीम मेटी कॉल आते कि भाई वेयरहाउस के सामने वाले कंटेनर पे बंदे हैं, जल्दी आ। तब देखिए भाई इन लोग के साथ इसके एक बंदे को नॉक करके मैं सीधा फिनिश करने जाता हूँ। यहाँ पे एक टीम फिनिश होती है इसके, दूसरे बंदे को जाता ही मानो जब तक मेरे टीम मेट के हाथ चढ़ जाता है। क्या पे उसको फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे पीटी वीटी लूट रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉट आता है जिसको कि मैं फिनिश करता हूँ और सीधा यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रिज पे जैसे जाता हूँ, देखिए भाई ओपन में बंदा मुझे भागते देगा। अब ये बताइए मुझे ये नॉक क्यों नहीं हुआ? हमें इंसाफ चाहिए, हमें नहीं पता ये बंदा नॉक कैसे नहीं हुआ। क्या पता लैग हो गया वो। अब ये इतना ही लैग हो रहा था ना कि बस पूछ मत। यहाँ पे मैं इसको फिनिश करके जाहिर होते हैं, एक और एक बॉट के साउंड आते हैं जिसको कि मैं नॉक फिनिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे भाई पानी में एक और बॉट दिखता है, तो यहाँ पे मैं किल बटोर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा एक और बॉट मार ही रहा होता हूँ, तो ब्रिज पे भाई बंदे आ जाते हैं। ब्रिज के नीचे आ गए। सबसे पहले तो मैं कूद कूद के भाई कवर में जाता हूँ कि किसी तरह कवर में पहुँच जाऊँ कह रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स को कॉल देता हूँ कि भाई मैं नीचे से जाऊँगा, मैं भी जा रहा हूँ ऊपर ही है, तो इस पे पुश कर दो। अब यहाँ पे इस पे जैसे हम लोग पुश करते हैं, तो ये बंदा खुद ही अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। बहुत अच्छे। यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा इस पे पुश कर देंगे। ये सामने वाले पेट्रोल पंप पे जा चुका है। तोड़ दो पेट्रोल पंप का। यहाँ से मैं इसको फिनिश करता हूँ और यहाँ पे लूट वूट कर रहा होता हूँ भाई। सामने से गोली मतलब ऊजे के साउंड आते हैं। हाँ सही करा। यहाँ पे फौरन अपनी गाड़ी उठाते हैं और इन बंदों पे पुश कर देंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस 3 स्टोरी में चढ़ता हूँ, तो मुझे कॉल दी जाती है कि राइट से बग्गी जा रही है। गाड़ी उठा। अब इस बग्गी को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई कैसे बुलबुले से उठ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। यहाँ पे पता नहीं कौन स्मोक करता है नेट की जगह, तो हम इस पर सीधा पुश कर देते हैं। इसको सीधा फिनिश कर मैं आगे जाऊं, तो देखिए मुझे लगता है कि जैसे सामने बंदा है। ओए बंद कर। इसकी पेड़ की वजह से मुझे पता ही नहीं था बंदा है या नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसी फायर देता हूँ और सीधा इस बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब मैं इस बंदे पे पुश करता हूँ भाई, ये बंदा डर के पता नहीं पीछे कूद जाता है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये मुझे दिखता तो नहीं है मगर ये इतना डैमेज है ना
कि ये गोली चलाने से भी डरेगा। अब मैं सबसे पहले इस बाउंड्री पे चढ़ता हूँ और इस शेक के पीछे, भाई शेक के पीछे बंदा नहीं होता, मैं यहाँ पे घबरा जाता हूँ, मगर ये बंदा मुझे यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पर फौरन हम इसकी पेटी डालते हैं और सीधा निकल जाते हैं उस बग्गी वाले को ढूंढने जिसकी बग्गी अभी मैं दिखी थी, जिसकी की बग्गी आगे यहाँ पे भी दिख भी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेन सीट करता हूँ, भाई ये बंदा बग्गी के पास ही लेट चुका था। क्या मैं इसे डैमेज देता हूँ सीरियस पे पुश, ये बंदा कवर में भी नहीं जा पाता, मैं इसकी पेटी डालता हूँ। यहाँ पे इसकी पेटी वेटी लूट के गाड़ी उठा के हम निकल जाते हैं और बंदे ढूंढने। अब यहाँ से हम निकलते तो हमें यहाँ पे एक बग्गी दिखती है, जिसके कि हम सबसे पहले टायर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भाई सीन यही होता है बंदे ऊपर ही होंगे, तो मैं सबसे पहले टायर ले लेता हूँ। यहाँ पर गाड़ी म्यूजी मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया, एक दो गोली मैंने मार दी है, तो मुझे पता था वो बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज। तो सबसे पहले तो मैं इस घर में आता हूँ, अब देखिए भाई रेड डॉट पर मैं इसे यहीं से मार दूंगा। चलो लॉबी, यहाँ पर रेड डॉट के सिंगल टैप पे मैं इसे बहुत ही अच्छा फिनिश करता हूँ। यहाँ से फौरन अपनी पलटन को उठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ बंदे हुए, पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे बग्गी के साउंड आते हैं। मैं सबसे पहले चेन सीट करूँगा, लूट लूट लें भाई, चलती बग्गी से मैं से हेड मार के से फिनिश कर दूँगा। अब यहाँ पे हम गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठा के सीधा आ जाते हैं ड्रॉप की तरफ। वॉच आउट, अब इस ड्रॉप को मैं लूट रहा हूँ तो मेरे टीममेट कॉल देता भाई सामने स्मोक हुआ है। अब यहाँ पे स्मोक तो होता है, सीधा हम यहाँ पे पुश कर देंगे। सबसे पहले तो मैं इस स्मोक पर लगाता हूँ कि शायद कोई पिट जाए, हमारे ऐसा कुछ होता नहीं है, उल्टा हमारी गाड़ी पे फायरिंग और हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं खुद कवर में आता हूँ, भाई यहाँ पर देख रहा होता हूँ कि भाई बंदे हैं नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता यहाँ से कुछ। अभी तो बंदे ऐसा लग रहा था कि सारे बंदे ही, मगर कोई दिख ही नहीं रहा था, मगर यहाँ से भाई सामने से बंदा निकल के जाता है, तो देखिए उसे क्या ही M4 का स्प्रे मार पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बंदा और दिखता है मुझे, जो कि मुझे बहुत बड़े डैमेज देता है। सबसे पहले तो मैं इस कवर में आता हूँ और मैं आके हील करता हूँ, मगर सबसे बड़ी गलती मेरी होती है मैं जो इस पेड़ पे पहुँचता हूँ भाई। अब मुझे यहाँ पे इतनी गंदी पड़ेगी ना दोनों साइड से, आप बस ये भाई आपके भाई के 17 किले हो चुके हैं यहाँ पे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है ना लाइक सब्सक्राइब। रुक जा मेरा आ गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने टीममेट से कहता हूँ भाई जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर स्मोक करो। अब देखिए मुझे राइट से भी पड़ रही है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट जाऊंगा, ये दोनों बंदे दो साइड से पुश कर देंगे, सबसे आगे मैं ही तो भाई इसके लिए मैं नहीं ओए स्मोक में मार रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले मैं रिवाइव कर रहा हूँ, अपनी टिकट खोल देता हूँ कि सीधा इस लेफ्ट वाले बंदे पे पुश करेंगे। हाँ मार जल्दी से, नॉक वो स्मोक में मार रहा है। अब यहाँ बिना हील करे मैं इससे पुश कर देता हूँ, जिसको कि मैं डैमेज दे दूँ, मगर नेट आके फटा मेरे पास, मैं सीधा लॉबी पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर मेरे टीममेट यहाँ पे इस टीम को भी फिनिश कर। अब जोन बच रहा था एक बंदा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है ये चिकन डिनर होगा या नहीं। अब यहाँ पे भाई पूरे जोन में घुमा घुमा के मेरे टीममेट थक चुके थे भाई, यहाँ पर बंदा दिखता है, ये मेरे टीममेट को चलती गाड़ी में से उतार देता है, मगर ये आधा बॉडम भी होता है। तो आपको ये चिकन डिनर के 17 किलो की वीडियो कैसे लगी हमसे जरूर बताइएगा, और जरा भी पसंद आया तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए इस बार। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।